أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد باجل فرج ومجد إيثار أهل بيت اور ہماری ذمہ داری ईसार के उन्वान से ये बात कहना ज़रूरी है कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। चुनांचे जहाँ वो हुकूकुल्लाह पर ज़ोर देता हुआ नज़र आता है, वहाँ पर हुकूकुन्नास भी किसी कम अहमियत के हामिल नहीं। और हुकूकुन्नास में इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह या लोगों की मदद इंतहाई अहम काम है कि जिससे न सिर्फ ये कि ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी हो जाती है बल्कि माशरे में गुरबत अफलास हत्ता के जराइम का भी खात्मा हो सकता है। अल्लाह ताला इन्फाक फी सबीलिल्लाह को अव्वलीन शरायत या अव्वलीन खुसूसियात तक्वा करार देता है और तक्वे को किताब इलाही के समझने के लिए सबसे पहली शर्त ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ी हुदल्लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फ़िक़ून कि ये वो किताब है कि जिसमें कोई शक नहीं और हिदायत है मुत्तकीन के लिए। अब मुत्तकीन कौन है? नंबर एक, युमिनूना बिलगैब, जो कि गैब पर ईमान रखते हैं। उसके बाद वो युकीमूना सला, नंबर दो, जो नमाज कायम करते हैं। नंबर तीन, व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फ़िक़ून, और जो कुछ हमने उनको दिया है उस पे से खर्च करते हैं। तो न सिर्फ ये कि अल्लाह पर, जन्नत दोज़ख़ पर, गैब पर ईमान ज़रूरी है, नमाज की अदायगी भी ज़रूरी है क्योंकि वो इबादतों का ताज है, इबादतों की सरदार है, मोमिन की मेराज है। और उसके बाद रिज़्क में से ख़र्च करना कि जो अल्लाह ने आपको दिया है, यानी अल्लाह ताला तौहीद और अकायद के साथ साथ अमली मुजाहिर पर भी यकीन रखता है और उसके साथ साथ वो लोगों की दुनियावी ज़रूरियात से गाफिल नहीं है। चुनांचे वो लोगों को इस बात की ताकीद करता है कि आप लोगों पर, दूसरे लोगों पर, यानी जो गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं, उन पर ख़र्च करें। और ये भी वाज़े कर देता है कि मैं वो माल नहीं कह रहा कि जो तुम समझते हो कि तुमने ख़ुद अपने तौर पर हासिल किया है, दरअसल ये तो अल्लाह का दिया हुआ है। व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फ़िक़ून, यानी जो रिज़्क हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। अब ये हकीकत है कि इंसान जब लोगों पे ख़र्च करता है तो मुख्तलिफ इंसान मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ सूरत हाल से दो चार होते हैं। बसा औक़ात आपके पास इजाफ़ी माल दौलत होती है जो आप लोगों को दे देते हैं, बाज़ औक़ात थोड़ा बहुत खर्च करने से आपके माल पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन एक सूरत हाल ऐसी आती है कि जब मुकम्मल तौर पर आपको किसी चीज़ की हाजत ज़रूरत होती है जिस पर आपकी ज़िंदगी का, बल्कि मौत और हयात की कशमकश का दारोमदार होता है, उस सूरत हाल में आप अपनी ज़रूरत में से किसी को वो चीज़ दे दें और ख़ुद परेशानी से, मर्ज से, मुफलिसी से, बसा औक़ात मौत से दो चार हो जाए, तो यकीनन ये सिफत बहुत आला सिफत है जिसको अल्लाह ताला ने ईसार से मुनकलिब किया है या ईसार से ताबीर किया है।
अल्लाह ताला सूरह हशर आयत नंबर 9, सूरह हशर कुरान का 59वां सूरह है, चैप्टर 59 वर्स नंबर 9। वयुसिरून अला अनफुसहिम वलौ काना बिहिम खसासा, और वो लोगों पर अपने नफ्स को इसार कर देते हैं चाहे उनको उसकी कितनी ही ज़रूरत क्यों ना हो। ये आयत जो सूरह हशर की 59वीं आयत है, इस बारे में बहुत सारे शान नज़ूल मुख्तलिफ़ किताबों में वारिद हुए। मसलन एक शान नज़ूल ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के पास किसी ने गोसफंद यानी भेड़ का गोश्त भुना हुआ भेजा। हालांकि रसूल के घर वाले भूखे थे, लेकिन उनको इल्म था कि हमारे सामने वाले, हमारे पड़ोस वाले भी भूखे हैं। चुनांचे रसूल अल्लाह ने पूरा गोश्त, पूरा का पूरा भेड़ अपने पड़ोस में भिजवा दिया। कहते हैं कि पड़ोस में जिस सहाबी के पास ये गोश्त पहुंचा, उसको ये इल्म हुआ कि सामने वाला घर उसमें भी भूख इफलास है, उनके पास भी खाने को कुछ नहीं। चुनांचे उन्होंने भी बग़ैर कुछ खाए वो खाना, वो भेड़ पूरा का पूरा दूसरे घर पहुँचा दिया। उनके पास ये पहुंचा तो उनको पता चला कि नहीं, सामने वाला पड़ोस का घर वो भी भूखा है। कहते हैं कि इस तरह 7 घरों तक ये गोसफंद, ये भेड़ भुना हुआ या गोश्त पहुंचा, और कुछ रिवायतों में है कि घूम के वापस खुद रसूल के पास आ गया। तो ये है ईसार कि आपके खुद घर में खाने के भूख के लाले पड़े हुए और आप जो है वो सारा का सारा किसी को दे दे रहे। तो रसूल के असहाब ईसार की मंजिल पर फाइज, जिसके बाद ये कुरान की आयत नाजिल हुई। एक शान नज़ुल ये है कि जंग ओहद में कुछ सिपाही ज़ख्मी हालत में पड़े हुए थे और अपनी आखिरी सांस ले रहे थे। एक गिलास या एक कूजे में पानी था जो एक आदमी के लिए काफ़ी था। चनाचा सबसे जो करीब सिपाही था उसको ये पानी दिया गया, लेकिन उसने पानी पीने से पहले कहा कि मेरे सामने वाला भी प्यासा है, तुम ये पानी उसको दे दो। जब उसके पास गए तो उस प्यासे ने कहा कि नहीं, मेरे सामने वाला फला जगह पे पड़ा हुआ सिपाही भी प्यासा है, तुम ये पानी उसको दे दो। तो कहते हैं कि इस तरह पानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 बल्कि 7वें शख्स के पास गया तो 7वां शख्स मर चुका था यानी शहीद हो चुका था। तो वो दोबारा पानी पहले वाले शख्स के पास लाया गया, पता चला कि वो पहला वाला शख्स भी जाम शहादत नोश कर चुका। दूसरे के पास गए, वो भी शहादत के आला दर्जे पर फायज हो चुका था। फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 के 7 शहीद बग़ैर पानी पिए इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो आप देखिए, बिल्कुल आखिरी वक्त है, निज़ा का आलम है। एक गिलास पानी आपकी जान बचा सकता है, लेकिन सामने एक सिपाही आप ही की तरह प्यास की शिद्दत से जहाँ बल्ब है और आप पानी उसको दे देते हैं। तो ये भी ईसार की एक बहुत बड़ी मिसाल, बहुत अहम मिसाल। एक और शान नज़ूल इस आयत सूरह हशर का। एक तीसरा शान नज़ूल हमें मिलता है कि रसूलल्लाह ने जब यहूदियों पर फतह हासिल की, यहूदियों के कबीले बनू कुरैज़ा पर, तो फतह हासिल करने के बाद जो माले गनीमत उनके हाथ आया तो वो तकसीम करने का जब वक्त आया तो उनके सामने अनसार और महाजरीन दोनों थे। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि महाजरीन ज़्यादा परेशान हाल थे, क्योंकि वो तमाम घर बार सामान मालूमता मवेशी जायदाद मक्के में छोड़कर आए थे और उनके पास कुछ भी नहीं था। तो रसूल अल्लाह ने अनसार को ऑप्शन दिया, हुक्म नहीं दिया, मशवरा दिया, ऑप्शन दिया कि चाहो तो माले गनीमत से तुम भी रखो, महाजिर भी रखे, चाहो तो अपने घर जायदाद और सामान में तुम तसर्रुफ करो, या
چاہو تو اس کو تقسیم کر دو. لیکن جسے کہتے ہیں کہ انصار نے یہ آواز تو تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انصار نے کہا کہ نہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ مال غنیمت میں سے سارا مال غنیمت ہم مہاجرین کو دے دیں اور اپنے گھر بار جائیداد اور مال و مویشی میں سے بھی آدھا انصار کو مہاجرین کو دے دیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی ایثار کی مثال تھی. اور واقعی انصار نے نہ صرف یہ کہ پہلے دعوت اسلامی پر لبیک کہہ کر رسول اللہ اور مہاجرین کو ایک محفوظ مقام عطا کیا مدینہ کی صورت میں, اور پھر اپنی جائیدادوں کو جسے کہتے ہیں تقسیم کیا اور رسول اور انصار کے حوالے کیا. یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے. بلکہ ہمیں ایک جگہ یہ بھی ملتا ہے کہ ایک دفعہ مال غنیمت میں جب تقسیم ہوئی بعد کے دور میں, تو کچھ انصاریوں کو شک ہوا کہ شاید تقسیم صحیح نہیں ہو سکی, تو رسول اللہ نے ان کو دوبارہ سمجھایا اور پھر آخر میں یہ کہا, جب جسے کہتے ہیں کہ آخری دلیل دینی تھی ان کو قائل کرنے کے لیے, تو کہا کہ کیا تم اس بات کو بہتر نہیں سمجھتے کہ لوگ بھیڑ بکریاں لے جائیں اور تم محمد کو؟ تو پھر انہوں نے کہا, وہ کہتے ہیں کہ وہ رو پڑے اور کہا کہ ہمیں بھیڑ بکریاں نہیں چاہیے, آپ چاہیے, آپ کی رضا چاہیے. تو یہ اگر انسان انداز فکر رکھے کہ میرا مال جائے تو چلا جائے, مجھے نقصان ہونا ہو تو ہو جائے, لیکن اللہ کا رسول مجھ سے راضی ہو تو مجھے اس مال کے جانے کی فکر نہیں. بلکہ ہمیں روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی حق پر ہونے کے باوجود اپنی بے عزتی برداشت کر لے تو قیامت میں وہ عزت مجھ سے لے لے. ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ کا حق بنتا ہے, دکاندار یا گھر میں کسی مسئلے پر لوگ آپ کا حق غصب کر لیتے اور آپ کی بے عزتی بھی ہوتی ہے, تو آپ اپنی عزت کی خاطر جھگڑے سے دور ہونے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں, حالانکہ آپ کو معلوم ہوتا ہے سراسر ناانصافی ہے. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی آپ کی بے عزتی ہو گئی, خدا نخواستہ آپ کمزور پڑ گئے یا آپ بزدل ہیں. نہیں, آپ نے جھگڑا ختم کرنے کی خاطر آپ نے کہا کوئی بات نہیں. اکثر ہوتا ہے بھائی فلاں نے ہماری دعوت نہیں کی تو ہم کیوں دعوت کریں, فلاں نے ہمیں تحفہ نہیں دیا تو ہم کیوں تحفہ دیں, فلاں جو ہے ہمارے فلاں بھائی کی شادی میں نہیں آئے تو ہم ان کی شادی میں کیوں جائیں, فلاں ہماری مجلس میں نہیں آتے تو ہم ان کی مجلس میں. تو ایک ادلا بدلا انتقامی کارروائی والی صورتحال ہوتی ہے اور عزت پہ بات آ جاتی ہے کہ ہماری بے عزتی ہوگی کہ وہ تو نہ آئیں اور ہم ان کے پاس جایا کریں, کیا ہم ان سے چھوٹے؟ تو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں اس میں آپ کی بے عزتی ہے یا آپ کی عزت جا رہی ہے, تو رسول کہتے ہیں کہ وہ عزت قیامت میں مجھ سے لے لیں. کتنی بڑی بات ہے کہ رسول اپنے پاس سے آپ کو وہ عزت عطا کریں گے, اور جو رسول عزت عطا کریں گے اور جو عزت قیامت میں آپ کو ملے گی وہ یقیناً اس دنیا کی عزت سے کہیں زیادہ بہتر اور دائمی ہوگی. دنیا کی عزت بہت تھوڑی اور عارضی ہے, لوگوں کی طرف سے ملنے والی ہے. اچھا, پھر تیسرا شان نزول, چوتھا شان نزول ہمیں ملتا ہے کہ رسول کے پاس ایک شخص آتا ہے غریب و نادار اور بھوکا ہوتا ہے. رسول کسی سے پوچھتے ہیں, بلکہ پہلے اپنے گھر پوچھواتے ہیں کہ میرے گھر سے کچھ کھانا ہو تو لے آؤ. جب وہ جاتے ہیں رسول کے گھر تو پتہ چلتا ہے کہ کھانا نہیں ہے. تو رسول جو ہے وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ انصاری کھڑا ہوتا ہے اور وہ اس شخص کو اپنے گھر لے جاتا ہے اور اس کی مہمان نوازی کرتا ہے, اور پھر یہ آیت نازل ہوتی ہے. لیکن یہی واقعہ جو کچھ اس انصار کے حوالے سے بیان ہوا ہے, خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بھی ملتا ہے کہ مولا علی اس شخص کو اپنے گھر لے جاتے ہیں, بی بی سے پوچھتے ہیں, تو وہ کہتی ہے ایک ہی آدمی کا کھانا ہے جو میں نے حسن حسین کے لیے بچا کے رکھا ہے, یعنی ایک آدمی کا کھانا یا دو بچوں کا.
तो मौला कहते हैं कि दोनों बच्चों को किसी तरह बहला फुसला के सुला दो और चराग गुल कर देना जब हम खाना करें। तो ऐसे ही किया गया। तो कहते हैं कि अंधेरे में मौला अली बस अपना हाथ चलाते रहे कि जैसे वो खाने में शरीक है, और वो जो मेहमान था भूखा था वो ये समझता रहा कि मौला अली भी साथ साथ खा रहे, और पूरा खाना वो खा गया। तो इस तरह मौला अली भी भूखे रहे, बीबी भी भूखी रही, और दोनों बच्चे भी भूखे सो गए। जब ये वापस आए तो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, वो अपने नफूस को दूसरों पर कुर्बान कर देते हैं चाहे ख़ुद उनको इसकी कितनी ही ज़रूरत क्यों ना हो। अपने नफ्स को कुर्बान करने का मतलब है कि आपके नफ्स को किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं। ख्वाहिश का मतलब वो वाली ख्वाहिश नहीं कि हमें किसी अच्छे खाने की ख्वाहिश होती है, अच्छे लिबास की नहीं, ज़रूरत। यहाँ पे ख्वाहिश का मतलब होगा ज़रूरत, और अपनी ज़रूरत होने के बावजूद आप अपने हिस्से का खाना, अपने हिस्से का पानी, अपने हिस्से की कोई भी चीज़ जायदाद किसी के हवाले कर दें, हालांकि आपको ख़ुद उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। तो ये है ईसार का बुलंद तरीन, यानी इन्फाक का बुलंद तरीन मरतबा जिसको हम ईसार कहते हैं। और यकीनन जो लोग ईसार से काम लेते हैं वो समझ लीजिए तवक्कुल अल्लाह में सबसे आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ ये बात जैसे कि खुद वाक़या से ज़ाहिर हुआ कि अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लाखों रुपए हो, बहुत बड़ी जायदाद हो, मालो मता हो, बैंक अकाउंट हो, और आप वो किसी को दें और फिर जो है आप कहेंगे भी मैंने ईसार कर दिया। ईसार से अमूमन लोग मीरात बहुत बड़ी अमाउंट मकदार को लेते हैं, जैसे कि अभी वाक़े से ये ज़ाहिर हुआ कि फ़कत एक गिलास पानी जो आपकी जान बचा सकता है और अपनी जान की परवाह किए बगैर आप किसी को दे दें तो बस आप ईसार के बुलंद दर्जे तक पहुँच गए। आप भूख से मर रहे हैं लेकिन घर में आया हुआ खाना आप किसी के हवाले कर देते। अब यहाँ पर ये बात के कितनी मकदार और क्या दिया जाए, तो इस पर कोई लिमिट नहीं है, कोई तखस्सुस नहीं है। जो भी चीज़ जो आप समझते हैं कि मेरी ज़रूरत है और वो आप दे दें किसी को। बड़ा दिलचस्प वाक़ मिलता है हमको इस सवाल के जवाब में कि क्या दिया जाए और कितना दिया जाए कि वो ईसार में शुमार हो सके। एक बादशाह जंगल की तरफ जा रहा था, सफ़र कर रहा था, वो अपने काफ़िले वालों से जो है वो मिट गया, छुट गया, बिछड़ गया। उसने एक जगह जाके जो है वो दस्तक दी, और वहाँ पे दस्तक देने की सूरत में एक ज़ईफ़ा ने दरवाज़ा खोला। बादशाह ने कहा मैं भूखा हूँ, और बताया नहीं कि वो बादशाह है, और कहा कि मैं जो हूँ वो भूख से मर रहा हूँ, अगर कुछ है तो मुझे दे दो। तो कहते हैं कि उस बुढ़िया के पास एक ही बकरी थी जिसका वो दूध पीती थी, और बस उसी से अपना घर का जो है वो ख़र्चा समझ ले चलाती थी। उसने वो बकरी जो है वो काट के उस बादशाह को खिला दी। बादशाह ने जब बाद में पूछा तो पता चला कि इसके पास यही बकरी थी। तो उसने बादशाह ने कहा कि मैं फ़लाँ मुल्क का बादशाह हूँ, कभी तुम्हारा वहाँ से गुज़र हो, कभी कोई ज़रूरत पड़े तो मेरे पास ज़रूर आना। कुछ अरसे के बाद बुढ़िया को ज़रूरत पड़ गई, और वो उस बादशाह के महल पते के मुताबिक जो है एड्रेस के मुताबिक पहुँच गई। जब वहाँ गई तो बादशाह ने बड़े जिसे कहते हैं कि शान शौकत के साथ उसका इस्तकबाल किया, और वज़ीरों से कहा, पूछा कि देखो ये बुढ़िया थी और ऐसा ऐसा हुआ था, मैं जंगल में अकेला रह गया था, ये उस बुढ़िया ने मुझे अपनी बकरी खिला दी जो फ़कत एक ही थी, इसके पास और कुछ भी नहीं था, तो मैं क्या दूँ उसको, कितनी बकरियाँ दूँ, 100, 200 या हीरे जवाहरात क्या दूँ तुम्हारे ख्याल में, यानी मैं आज उस बकरी से ज़्यादा इसको नवाज सकता हूँ। तो मुख्तलिफ वज़ीरों ने मुख्तलिफ मशवरे दिए। एक ने ये कहा कि मेरे ख़्याल में अगर आप एहसान के बदले एहसान करना चाहते हैं और इसका मुकाबला करना चाहते हैं, यानी
जो इसने आपके लिए किया उसके बराबर आप इसके लिए करें, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी पूरी सल्तनत इस बुढ़िया के हवाले कर दें। तो बादशाह बड़ा हैरान हुआ कि भाई ये कैसे। तो वज़ीर ने कहा कि वो बकरी इसकी पूरी कुल कायनात थी, पूरी कायनात थी, आज आपके पास आई है, आपके पास जो आपकी कुल कायनात है यानी आपकी सल्तनत आपको चाहिए इसके हवाले कर दें। तो बज़ाहिर तो ये नज़र आता है कि इशार करने वाला शायद उसके पास बहुत थोड़ा है और गरीब है। नहीं, हमें ये देखना चाहिए कि वो अपने मालूमता में उसका शेयर कितना है वो जो दे रहा है। तो हम कहेंगे अगर आदमी मसलन 50,000 रुपये कमा रहा है, वो 25,000 रुपये दे देता है, तो वो उसी के बराबर है कि जो मसलन 1 करोड़ कमा रहा है और 50 लाख रुपये दे देता है, वो भी 50% दे रहा है, वो भी 50% या मुकम्मल तौर पर दे रहा है, तो उसका 1 लाख और उसका 1 करोड़ जो है वो बराबर होगा। तो यहाँ पे ये देखना चाहिए सूरत हाल क्या है और आप अपने पूरे मालो मता का कितना परसेंट, कितना जुज या कुल जो है वो किसी के हवाले कर रहे हैं। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि जब आप ईसार का मुजाहरा करते हैं तो इस ईसार के असरात ख़ुद आपके माहौल में, आपके माशरे में, आपके घर वालों पर भी असरअंदाज होते हैं। ये मौला अली का ईसार था और जाहिर सी बात है कि जब आदमी ईसार से काम लेता है तो ज़रूरी है उसका घर वाले भी उसके साथ हों। हमारे माशरे में देखा गया है कि अगर एक शख्स अपने भाई की मदद करना चाहता है माली, तो बीवी रोक देती है कि क्या तुम ही रह गए हो, फलाँ 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 भी तो साहिब हैसियत है, वो क्यों नहीं मदद करते। तो यहाँ पे ये नहीं देखना चाहिए कि कौन कर सकता है या कौन नहीं कर रहा या कर रहा है, आपको ये देखना है कि मैं अपने ज़मीन में अपने तौर पे क्या जो है वो नेकी कमा सकता हूँ। तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो खुद ब खुद बाकी लोग, बजाय इसके कि आप किसी को कहें। अब आइए कुरान में सूरह दहर की आयत नंबर 8 की तरफ, जो उन लोगों के लिए उतरी कि जिन्होंने ये नहीं देखा कि हम छोटे हैं बड़े हैं, इस ईसार के लिए मतलब मुकल्लफ हैं यानी क्वालिफाई करते हैं कि नहीं। सूरह दहर की आयत नंबर 8, वयुतअइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व आसीरा। और वो लोग यानी अहले बैत की तारीफ और तौसीफ के साथ अल्लाह ताला बयान करता है कि वो लोग अल्लाह की मोहब्बत में, उसकी मोहब्बत में अला हुब्बिही खिलाते हैं। किसको खिलाते हैं? मिस्कीन को, यतीम को और असीर को। तो वो मिलता है कि बीबी ने, जब ये हसन हुसैन बीमार हुए थे तो मौला ने और बीबी ने मन्नत मानी थी 3 रोज़ों की, रसूल ने उनको कहा था। जब वो सेहतयाब हो गए तो आप दोनों ने रोज़ा रखा, तो जब दोनों ने रोज़ा रखा तो बच्चों ने भी रखा और बीबी फिजा ने भी रखा। ताकि ये है टीम वर्क, ये है इज्तिमाई माहौल कि आप बच्चों को कहें ना और बच्चे खुद ब खुद जो है वो उस बात पर अमल करें। तो बच्चों ने भी रखा और बीबी ने भी रखा, मौला ने और फिजा ने। अब 5 रोटियाँ, उस ज़माने में बस रोटी ही इफ्तार थी, रोटी ही खाना थी, रोटी ही सालन थी। यानी हमारे तरह नहीं कि इफ्तार हमारी अलग होगी और उसके बाद खाना अलग लगेगा, रोटी के साथ कौरमा या जो भी चीज़ें होंगी। तो फ़कीर आता है पहले, तो मिस्कीन आता है, तो मौला अली, बीबी, फिर हसन हुसैन, फिजन, जब 5ों के 5। अच्छा, फ़कीर एक ही था जो कि रिवायत में भी मिलता है, लेकिन दी 5ों ने, कोई एक भी दे देता तो काम चल जाता। अच्छा, अगर बड़ों ने दिया तो दिया, बच्चों ने क्यों दिया? यानी उन पर तो कोई ऐसा वाजिब नहीं था बच्चों के हवाले से, लेकिन बच्चों ने भी जिसे कहते हैं कि इन्फाक किया, इशार किया। दूसरे दिन फिर एक यतीम, फिर वही इशार कि सब ने अपना जो है कुछ उस फ़कीर को दे दिया। और तीसरे दिन फिर दोबारा एक और मरतबा यानी असीर, और 5ों ने दे दिया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि 5ों के 5ों अफराद 3ों के 3ों दिन। अच्छा, ये भी नहीं कि आपने इफ्तार नहीं की, चले खाना खा लेंगे, खाना नहीं खाया चले सहरी में कुछ खा लेंगे, बस वही इफ्तार, वही सहरी और वही खाना। तो 3 दिन मुसलसल अहले बैत जो है भूखे रहे हैं। तो फिर अल्लाह ताला ने जो है वो ये आयत उतारी। तो ये है वो ईसार कि जो अहले बैत ने 3 दिन तक जो है वो रवा रखा। अब आइए इस तरफ के, जिस तरह हमारे दिल में एक शैतानी वसवसा आता है कि अगर हम
किसी को कुछ दे देंगे तो शायद हमारे माल में कमी हो जाएगी, या हम भूखे रह जाएंगे, या हम जो है कलाश या मुफलिस हो जाएंगे, या हमारी रोज़ी रोटी में कमी, वक्ती तौर पे कमी तो शायद आ जाए, वक्ती तौर पे आप गुर्बत का शिकार हो जाए। लेकिन देखा यह गया है कि जो लोग ईसार, तो बहुत दूर की बात, ईसार तो उस वक्त आएगा कि जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो और आप दें, इन्फाक करते हैं। इन्फाक यानी किसी ने कुछ मांगा, 10,000-20,000, खाना, लिबास या कोई भी चीज़, आपने उसको दे दी और ठीक है, आपका घर, आपका राशन और आपका किचन और आपका जो है वो माशी जो है वो रूटीन वो चल रहा है, कोई कमी बेशी नहीं हुई, तो आपके माल में बरकत होती है। अब आप अमीर हों कि गरीब हों, ये एक तरह की तिजारत है कि माल देने से, देने का मतलब है जो आपने अल्लाह की राह में दिया। कहते हैं ना कि जो माल आपने अपने ऊपर खर्च किया वो खर्च हो जाता है, और जो माल आप दूसरों पे खर्च करते हैं वो आपके साथ जाता है, क्योंकि वो तो अल्लाह के लिए आपने खर्च किया, ये आपने आपकी अपनी ज़रूरत दी। तो बल्कि रवायतों में ये भी मिलता है, गुर्बत में अल्लाह ताला से, जो मफहूम हदीस है, गुर्बत में अल्लाह ताला से तिजारत करो। कैसे तिजारत करो? अल्लाह की राह में देखे, ठीक है आप गरीब हैं, आप 100 रुपये 500 रुपये का सदका इन्फाक फी सबीलिल्लाह बर्दाश्त नहीं कर सकते, 10 रुपये 1 रुपये जितना आप सदका दे सकते हैं, लेकिन आप देखिएगा कि उस कम तरीन सदक़े से अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ताला तो खुद कुरान में कहता है कि हम 700 गुना तक देते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए अल्लाह कितना दे सकता है। एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी में अमरीका के एक बहुत अरबपति की पढ़ रहा था कि जॉन डी रॉकफेलर, बहुत बड़ा रईस, बहुत बड़ा अमीर, जॉन डी रॉकफेलर एट द एज ऑफ 25, यानी फ़कत 25 साल की उम्र में उसकी अपनी ज़ाती ऑयल रिफाइनरी थी। उस ज़माने में दो सदी पहले तकरीबन, उस ज़माने में ऑयल रिफाइनरी होना वो भी इस उम्र में एक बहुत बड़ी बात थी, और ज़माने में सनअती इनकलाब भी अमेरिका में आया हुआ था, तो अमेरिका को ज़्यादा ज़रूरत थी ऑयल की। 31 साल में उसके पास अमेरिका की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी आ गई, 38 साल में वो अमेरिका का सबसे बड़ा तेल का सप्लायर बन गया, मतलब आप उसकी जिसे कहते हैं कि दौलत में फौरन इजाफा होता रहा, और वो अमेरिका का सबसे बड़ा या नंबर वन जो है वो अमीर आदमी बन गया। एट द एज ऑफ 53 साल की उम्र में उसको एक बीमारी लाहक हुई जो कि लाइलाज थी, और डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब आप 1 साल से ज़्यादा नहीं बच सकते। तो बाबा अंदाज़ा लगा लिए, एक शख्स जो है दुनिया का अमीर तरीन आदमी बनने जा रहा है, अमेरिका में उससे ज़्यादा दौलत किसी के पास नहीं, और उसको कहा जाए कि आप 1 साल बाद मर जाएंगे, यानी अब वो कब्र में कुछ भी अपने साथ नहीं लेके जाएगा, कोई दौलत, क्योंकि दौलत वो इलाज ही पे खर्च कर रहा था और सबसे अमीर आदमी था, लेकिन दौलत किसी काम की नहीं थी। बस उसको पता नहीं क्या सोची, उसने अपने तमाम मैनेजर्स को, लॉयर्स को बुलाया, और जो है वो ये वसीयत लिखी कि मेरी तमाम दौलत मरीज़ों पर खर्च कर दी जाए, बजाय इसके कि किसी और को देता, उसने कहा कि मरीज़ों पर खर्च कर दो अभी से। तो उन्होंने जो है वो उस दौलत को खर्च करना शुरू किया, और वो अपनी मौत का जो इंतज़ार करने लगा। लेकिन कहते हैं कि जैसे ही ये दौलत खर्च करना होना शुरू हुई, उसकी दौलत में दोबारा इजाफा होना शुरू हो गया, और इत्तेफाक की बात यह है कि उस बीमारी से भी उसको निजात मिल गई। कहते हैं कि उसी दौरान अमेरिका में रिसर्च हो रही थी एंटीबायोटिक पे, तो जो पेंसिलिन एंटीबायोटिक पहली मरतबा जो बनी थी एंटीबायोटिक, वो उसी के पैसों से बनी थी, जो अब मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स का जिसे कहते हैं कि पेश खेमा साबित हुई या उससे राहें खुली। तो उस आदमी का एहसान कि उसने रिसर्च के लिए पैसे दिए, बीमारों के लिए पैसे दिए, और फिर वो बीमारी पे खर्च हुए, और फिर कितने बीमार सेहतयाब हुए, कितने लोगों की दुआएं उसको गई कि वो सेहतयाब भी हो गया। उसके बाद वो पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी, एट द एज ऑफ 58 पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना,
और जो शख्स 53 में बीमार हुआ और उसको कहा गया तुम एक साल में मर जाओगे, आपको मालूम है वो कब जाकर इस दुनिया से रुखसत हुआ? 98 साल की उम्र में। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 54 में उसको मरना था, तो 44 उसकी उम्र में इजाफा हुआ और दूसरा उसकी दौलत में इजाफा हुआ। तो ये जब एक आदमी जो कि नॉन मुस्लिम है और लोगों पे खर्च करता है और उसके जिसे कहते हैं एकदम से माल में इजाफा होता है, सेहतियाँ भी मिलती है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए आजकल के दौर में जो एक नफ्सा नफ्सी का दौर है और माशी अबतरी अपने उरूज पर है, महंगाई, बेरोज़गारी और फिर अब मज़ीद जो ओमाइक्रॉन और दीगर स्ट्रेन हमला करने वाले हैं, पूरी दुनिया तकरीबन खसारे में अब जाने वाली है माशी तौर पे, फिर हमारे जैसे मुल्क के लिए और परेशान कुन सूरत हाल पैदा होने वाली है। तो इस ज़मन में ईसार को याद रखिए, इस ज़मन में सूरत हाल में सदक़े को याद रखिए। अपने आसपास लोग जिनकी आप मदद कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप पूरा का पूरा कुछ अहले बैत की तरह या अहले बैत के मानने वालों अनसार की तरह या मुखलिस असहाब की तरह सब कुछ दे दें, कुछ जितना आप दे सकते हैं जिससे आपकी दौलत पर, जिसके आपके बैंक अकाउंट पर, जिससे आपके बैंक अकाउंट पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। हम नहीं कह रहे कि वो बुढ़िया की तरह जो भी था आपके घर में मसलन बकरी थी उसकी आप बकरी दे दें। इन वाक़यात को सुनाने का मकसद ये होता है कि जब लोग इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं, अहले बैत तो खैर दे रहे, लेकिन अहले बैत के चाहने वाले मानने वाले मुखलिस अफराद बल्कि नॉन मुस्लिम्स भी जब दे रहे, तो क्यों नहीं आप और मैं कि जिनको मुकम्मल तौर पर यकीन है कि हमारी ईसार की सिफत से हमारी खुद दौलत में इजाफा हो सकता है, और जो बलाएँ सदका देने से जाती हैं, मसलन मौत है या बीमारी है या हादसा है, कोई नुकसान है, वो जो है वो रुक सकता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ईसार की सिफत अपनाने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह ताला से दुआ है इन्फाक फी सबीलिल्लाह करने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह ताला से दुआ है कि अहले बैत की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, ज़रूरतमंदों की हाजात बरारी करने में उनकी मदद करने की तौफीक अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो बेरोज़गार है उनको रिज़्क़े हलाल अता फरमा, जो रिज़्क़े हलाल कमा रहे हैं उनके रिज़्क़े हलाल में बरकत अता फरमा, जो मकरूज़ है उनके कर्ज़ों को अदा फरमा, जो ज़िंदान में है उनको रिहाई अता फरमा, जो सफ़र में है उनको मंजिल अता फरमा, जो गुमशुदा है उनको उनके प्यारों से मिला। कोरोना जैसी मुतअद्दी बीमारी से हम सबको महफूज फरमा, मुसलमान दुनिया में जहाँ जहाँ ज़ुल्म सितम का निशाना बने हुए उनसे ज़ुल्म सितम को दूर फरमा, इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके अंसार व आवान में शामिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत्तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर रहीम।